सो गाइस, हम सभी लोग मोबाइल्स का यूज़ तो करते ही, और यहाँ पर हम सभी को पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल्स आते हैं वो नज़दीकी जो टावर्स होता है उसके थ्रू जो सिग्नल्स हमारे मोबाइल तक आते हैं, और हम सभी के घर के आसपास दोस्तों कोई ना कोई एक नेटवर्क टावर जो है वो लगा होता है, कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर का टावर लगा होता है, और हम सभी लोगों ने टावर्स को देखा हुआ है। तो जब कभी भी दोस्तों हम किसी टावर को देखते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे वहाँ पर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको एक गोल ड्रम जैसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कंपोनेंट देखने को मिलता है ड्रम जैसा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को देखने से लगता है कि आखिर ये क्या होता है, ये ड्रम जैसा होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो चीज लगी होती है ड्रम जैसी वो क्या होती है, क्या उसका नाम होता है, क्या उसका काम होता है, क्योंकि दोस्तों हम रोजाना लगभग रोजाना ही उस चीज़ को देखते हैं, तो हमको इनफैक्ट पता होना चाहिए आखिर ये चीज़ क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है। तो आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए, और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो सिलेंडर का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है किसी भी टावर के ऊपर, इसका नाम क्या होता है। दोस्तों इसका जो नाम होता है वो होता है माइक्रोवेव एंटीना। जी हाँ दोस्तों, ये एक माइक्रोवेव एंटीना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नाम तो हमने जान लिया, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये माइक्रोवेव एंटीना है, अब इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपली आपको इसका काम बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे इसके नाम पर ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये एक एंटीना है, तो एंटीना का यूज तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो सिग्नल्स को या तो सेंड करता है या तो रिसीव करता है। तो ये जो एंटीना लगा हुआ है किसी भी टावर के ऊपर, ये भी दोस्तों सिग्नल्स को सेंड करता है या फिर रिसीव करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से सिग्नल को सेंड और रिसीव करता है, तो इसका जवाब भी दोस्तों इसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्योंकि इसका नाम है माइक्रोवेव एंटीना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है माइक्रोवेव्स को सेंड या फिर रिसीव करता है। माइक्रोवेव्स कौन सी, यहाँ पर दोस्तों सिंपली हम बोल सकते हैं रेडियो वेव्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इनको ये सेंड करता है और रिसीव करता है। तो इसके नाम में ही दोस्तों काम छुपा हुआ है, माइक्रोवेव एंटीना, मतलब कि ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को सेंड या फिर रिसीव करता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि हाँ हम समझ गए हैं, ये जो माइक्रोवेव एंटीना है यही हमारे फ़ोन तक सिग्नल्स को भेजता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं कहूँ कि डायरेक्टली ये माइक्रोवेव एंटीना आपके फ़ोन तक सिग्नल्स को नहीं भेजता है, उसके लिए टावर के ऊपर एक दूसरा कंपोनेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं GSM, और उसके बारे में दोस्तों हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोचिए कि अब ये जो एंटीना है ये हमारे फ़ोन तक भी सिग्नल नहीं भेजता, तो ये लगाया क्यों गया है इसके ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा हो कि एक टावर जो है वो हमारे फ़ोन तक तो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन उस टावर पर सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों वो आ रहा है इसी माइक्रोवेव एंटीना के थ्रू। आपने देखा जो माइक्रोवेव एंटीना होता है वो किसी तरफ ऐसे फेस करके लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरफ फेस करके लगा हुआ है उस तरफ से कोई सिग्नल को रिसीव कर रहा है। मतलब कि आपको सिंपली ऐसा बताऊँ कि दूर एक टावर लगा हुआ है, उस पर भी एक माइक्रो एंटीना लगा हुआ है, और यहाँ पर एक टावर लगा है उस पर भी एंटीना लगा हुआ है। ये दोनों एंटीना एक दूसरे तरफ फेस करके इस टाइप से लगे हुए होते हैं, जिससे कि जो पहला टावर है वो सिग्नल को सेंड करता है और दूसरा टावर जो है वो उस माइक्रो एंटीना के थ्रू सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें काम करती हैं, टावर के पास तक सिग्नल्स आ जाते हैं उन्हीं माइक्रोवेव एंटीना के थ्रू। अब दोस्तों आप लोग सोचें कि एक टावर के ऊपर जो है यहाँ पर एक एंटीना लगा होता है, किसी में दो लगे होते हैं, किसी में बहुत सारे लगे होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यदि किसी टावर के ऊपर सिग्नल एक माइक्रोवेव एंटीना लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरफ फेस करके लगा हुआ है तो उस तरफ कोई एक दूर टावर और वहाँ से वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। अब दोस्तों यदि आपने देखा हुआ कि वहाँ पर दो माइक्रो एंटीना लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है यदि वो दो माइक्रो एंटीना यदि सेम सर्विस प्रोवाइडर के हैं, सेम यहाँ पर ऑपरेटर्स के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक एंटीना है वो किसी दूर वाले टावर से सिग्नल को ले रहा है और अपने एरिया में फैला रहा है, और जो दूसरा एंटीना है वो आगे किसी टावर को सिग्नल भेज रहा है। मतलब इस तरीके से पूरी चैन बनती है, सारे टावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि कुछ टावर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे माइक्रोवेव एंटीनास लगे होते हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो सर्विस ऑपरेटर्स हैं वो दोस्तों आपस में यहाँ पर समझौता करके एक ही टावर के ऊपर अपने अपने माइक्रोवेव एंटीनास को फिट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इससे नया टावर खड़ा करने की जो कॉस्ट वो बच जाती है। मतलब कम कॉस्ट में सभी जो नेटवर्क ऑपरेटर वो अपना अपना माइक्रोवेव एंटीनास के ऊपर लगा देते हैं, इससे उनकी कॉस्ट ही बचती है, और यहाँ पर दोस्तों सभी का
काम भी चल जाता है। आखिर टावर तो खड़ा करना ही है, और वहाँ पर दोस्तों चाहे उस पर 2 माइक्रो एंटीन लगे या फिर वहाँ पर 10 माइक्रो एंटीन लग जाए, सभी ऑपरेटर्स अपना अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं सिंगल एक टावर के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों एक टावर पर बहुत सारे माइक्रो एंटीनास भी लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसी टावर के ऊपर लगा होता है वो क्या कहलाता है, क्या उसका काम होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अब से दोस्तों आप उसको ड्रम नहीं बोलेंगे, कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, अब से आप उसको माइक्रोवेव एंटीना ही बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन जरूर से पसंद आई होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ऐसा कुछ कर दीजिए, सारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।